हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम टीचर सरिता। आज मैं आपको साइकोलॉजी स्टैंडर्ड 11 फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट अपलोड कर रही हूँ वीडियो में। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी वीडियो में अपलोड किया है, अगर आप नए हैं तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो आज मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ चैप्टर 1 साइकोलॉजी स्टैंडर्ड 11 महाराष्ट्र बोर्ड। तो दिस इज़ पेज नंबर 3, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। इन लेट 19th सेंचुरी जर्मन physician and philosopher William Wundt established first psychological laboratory at Leipzig University 1879 to study the human behavior. Human behavior के बारे में study करने के लिए laboratory उन्होंने university में एक develop किया। He introduced the term conscious experiments, यानी कि conscious कैसा, mind कैसा रहता है conscious। The term conscious experiment refers to the awareness of the mental activities of an organism, यानी कि mental जो हमारे activities है दिमाग में, brain में, वो कैसे रहता है सारे organism में। The awareness includes the total mental impressions or representations of the past, present and future। उसमें past, present और future में कैसा हमारा mental impression रहता है वो सब उसमें study किया था। He conducted experiment on reaction time, perception, consciousness, etc. After that, psychology emerged as a science. ये सब study करने के बाद ही psychology को science के उसमें category में डाल दिया गया। तो आप photo देख सकते हैं, उसमें ही है, आपके पास अगर book है तो 1.3 figure में। Now, उसी में page number 3 में ही है। Do you know, the year 1879 is an important year in the history of psychology because it was the beginning of the systematic study. Psychology emerged as an important independent branch of knowledge. यानी कि उस टाइम साइकोलॉजी 1879 में साइकोलॉजी को इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट के तौर पे स्टडी करना उन्होंने स्टार्ट किया और एक ब्रांच बनाया नॉलेज में। तो ये 1879 में हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्सन जर्मनी एस्टैब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन 1879। साइकोलॉजी लेबोरेटरी 1879 में इस यूनिवर्सिटी में एस्टैब्लिश किया जिससे कि साइकोलॉजी के बारे में स्टडी कर सकते। डिफाइंड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ही यूज साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल प्रोसेस सच एज रिएक्शन टाइम इन रिस्पॉन्स टू विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई। यानी उन्होंने फंडामेंटल साइकोलॉजी साइंस के, उन्होंने एक्चुअली जैसा भी मैंने बोला था साइंस कैटेगरी में उन्होंने साइकोलॉजी को डाल दिया था, तो साइंस को यूज करके उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करा। ही इंट्रोड्यूस इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इनके इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। नाउ 1.2.2 स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड एन ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन डिफाइंड ऑफ साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस। उन्होंने अनकॉन्शियस के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में स्टडी किया। ही बिलीव दैट द मोस्ट ऑफ अवर मोटिव्स आर हिडन। वो सोचते हैं कि जो हमारे मोटिव्स हैं वो छुपे हुए हैं। There is an unconscious level of our mind where we push or repress all our threatening urges and desire. इनका मानना है कि हम लोग जो हमारे threatening हैं, जो हमें डर लगता है, desires है, जो हमारी इच्छा है, हम लोग कहीं पर छुपा के रखते हैं अपने mind में। He stressed the importance of early childhood experiences and believed that personality is formed in first 5 years of life. उन्होंने childhood को study किया और उनके उसमें first 5 years child उसमें पर्सनैलिटी डेवलप होता है, उन्होंने स्टडी करके खोज किया। इफ़ देर आर एनी मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सीइंग इन द पर्सनस लाइफ, इट हैज़ अ रूट इन द अर्ली एयर ऑफ लाइफ। अगर कोई आदमी बड़ा होता है और उसमें कुछ उनको प्रॉब्लम है वो आदमी को, तो एक्चुअली वो कहाँ से आया है, वो चाइल्ड के वहीं से ही उसका स्टार्ट हुआ था। यानी कि चाइल्ड के उससे ही हमको जो भी हमको इम्प्रूव करना है, वो बच्चों के अंदर से ही हमको डर भगाना है, ये सब हमको बचपन से ही करना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ से बताया। फिर है आपका पेज नंबर, दैट इज 4, ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ द साइकोनालिस्ट लाइनाइसिस डिफाइन साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस। डिफाइन किया उन्होंने, बिलीव दैट अर्लियर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड अनकॉन्शियस इम्पल्सिस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। चाइल्डहुड के, मैंने बोला चाइल्डहुड्स के जो एक्सपीरियंस रहता है वही बड़े होके ही उनका डेवलप, अनकॉन्शियस जो भी डर है, डिज़ायर है, जो है वो डेवलप होता है। एक्टिविटी है, डू यू एग्री विद द डेफिनेशन दैट साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस। आपको लगता है कि ये अभी अनकॉन्शियस जो स्टडी किया है वो राइट है? व्हाट वुड बी द लिमिटेशन ऑफ डिटोजन। क्या इसमें अगर आपको गलत लगता है कि क्या लिमिटेशन है? नाउ
1.2.3 study of behavior. William Wundt describes psychology as a study of consciousness and Dr. Sigmund Freud as a study of unconsciousness. इन दोनों ने define किया, आपको पता है मैंने अभी बताया था, एक ने conscious उसके बारे में बताया और एक ने unconsciousness के बारे में. However, here again consciousness and unconsciousness are not observed directly. Hence, John B. Watson redefined psychology as a science of human behavior. अब इन्होंने साइंस क्या उन्होंने डिफाइन किया वॉटसन ने कि साइकोलॉजी इज एज ह्यूमन बिहेवियर, साइंस है वो ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. द लेटेस्ट डेफिनेशन इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. तो ये है इनका स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. इन दिस डेफिनेशन फॉलोइंग टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट. क्या टर्म्स हैं? बिहेवियर. इन जनरल वी कैन से दैट द बिहेवियर इज एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू various stimuli present in our surrounding, but each individual might have different response to the same stimulus because of their interest, personality and attitude. एक ही जगह पे सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबके अलग अलग बिहेवियर होते हैं. तो हाँ, एक जैसा बिहेवियर किसी का नहीं रहता, इंटरेस्ट किसी का नहीं रहता, उनका पर्सनैलिटी अलग रहता है. बिहेवियर इज आइदर ओवरट और कॉन्वर्ट. ओवरट बिहेवियर इंक्लूड्स डायरेक्टली ऑब्जर्वल रिस्पॉन्स लाइक वॉकिंग. हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं ओवरेट में, जैसे वॉकिंग, चलना. चलने से मालूम पड़ता है कैसे चलता है उसका बिहेवियर. टॉकिंग, बात करने से मालूम पड़ता है कि वो एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है या बैड बिहेवियर वाला है. डांसिंग स्टाइल से कन्वर्ट बिहेवियर इंक्लूड रिस्पॉन्सेज विच आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वल, यानी कि उसको देख नहीं सकते, वो कन्वर्ट है को, बट कैन बी इन्फ्यूर्ड फ्रॉम बिहेवियर लाइक थिंकिंग एंड फीलिंग, यानी सोच के बारे में जो अंदर रहता है. नाउ मेंटल प्रोसेस. इन साइकोलॉजी वी स्टडी द एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल फैक्टर ऑफ द बिहेवियर. दोनों पता है, बाहर का और अंदर का हम लोगों ने स्टडी किया. जैसे वॉकिंग करना बाहर का है और जो आपका थिंकिंग है वो इनसाइड का है. हियर वी स्टडी द मेंटल प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल. हम इधर मेंटल प्रोसेस पढ़ेंगे. इट इंक्लूड्स थिंकिंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, इमोशन, मोटिवेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन. इसके अंदर जो मेमोरी है किसका कैसा रहता है, मेमोरी भूल जाना, फॉरगेटिंग, मेमोरी शार्प है या कोई भूलने का बीमारी है, इमोशन जल्दी से कोई सेंसिटिव है, गुस्सा आता है, मोटिवेशन है यानी कि उसको मोटिवेट होता है. तो ये सब आपका मेंटल प्रोसेस है. नाउ थर्ड वन, साइंटिफिक मेथड. एक्सपेरिमेंट मीन्स एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेटिव ऑब्जर्वेशन इज कंट्रोल्ड कंडीशन. हियर ए रिसर्चर और द एक्सपेरिमेंट कैन टेस्ट हिज एजम्पशंस ऑफ द ऑब्जर्विंग, कलेक्टिंग द डाटा फॉर द सैम्पल पॉपुलेशन. अलग अलग इसको स्टडी करने के लिए, ये सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए लोगों को, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया. ओल्ड है, यंग है, डिफरेंट डिफरेंट मेंटेलिटी के लोगों को बुलाया गया, जो फिजिकली डिसेबल्ड है वो, उनके बारे में स्टडी किया कि कैसा उनका ऑब्जर्वेशन रहता है, कैसा उनका साइकोलॉजिकल बिहेवियर है. दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी जनरलाइज फॉर एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग ह्यूमन, ये स्टडी करने के लिए. अभी आपका है व्हाट इज़ बिहेवियर. मैं अगले पार्ट में, पार्ट थ्री में आपको बताऊँगी डिटेल में. सो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा और मेरे जो भी वीडियोस आप देखते रहिए आपको हेल्पफुल मिलेंगे. और आप एक बार रीड करना, क्योंकि रीड करने के बाद ही आपको समझ में आएगा. अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे. और कुछ भी आपको पूछना तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए. थैंक यू, टेक केयर एंड बाय.